सिविल सेक्रेटरी कार्डर कमिश्नर तक भी पहुंच सकता है, जबकि एक स्टेनोग्राफर मोहम्मद लतीफ कुरैशी बोल रहा हूं। हमारी डिमांड्स हैं कि हमारा जो एचओटी कार्डर है स्टेनोग्राफर्स का, उसको एट पार विद सिविल सेक्रेटरीट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो मुराद सेक्रेटरीट कार्डर को मिल रही हैं वो हमें नहीं मिल रही हैं। हालांकि सेक्रेटरीट कार्डर के हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं वो हमारा काम है वो एक जैसा है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा मुश्किल काम हमारा है, चूँकि हम फील्ड में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, हमें डे एंड नाइट भी काम करना पड़ता है, तो हमारा जो काम है उनसे ज़्यादा सख्त है, और इसलिए हमारा जो है वो उनके कम अज़ कम एट पार होना चाहिए उनके साथ। दूसरा, जो हमारी डीपीसीज हैं एचओटी कार्डर में वो नहीं हो पा रही हैं, और जिसकी वजह से स्टैग्नेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी स्टेनोग्राफर्स की पोस्टें खाली हैं वो फिलअप करने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूं गवर्नमेंट से। उसके अलावा हमारा क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स हैं जो सीनियर्स के स्टेनोग्राफर्स की और प्राइवेट सेक्टरीज विद द डिप्टी कमिश्नर्स। आप देखिए कई जगह आपको प्राइवेट सेक्टरीज मिलेंगे डायरेक्टर्स के साथ जिन लोगों का इतना काम नहीं है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो इतने बिजीएस्ट पोस्ट है और जो इतना मल्टीफेरियस काम देखते हैं, तो बड़ी दुख की बात है कि उनके साथ प्राइवेट सेक्टरीज की पोस्ट नहीं है, या बहुत सारे डायरेक्टोरेट हैं जिनके साथ जिनके पास प्राइवेट सेक्टरीज की पोस्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं एचओटी कार्डर की, और इसके बाद जितने भी एचओटी कार्डर की पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं बाई द सेक्रेटरीट सर्विसेज स्टेनोग्राफर्स, वो वैकेट होनी चाहिए और ये एचओटी कार्डर को ही देनी चाहिए, और एचओटी कार्डर से ही बंदे इन पर लगने चाहिए। फिर सबसे जो बड़ा मसला है क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्रेटरीज एंड सीनियर्स के स्टेनोग्राफर्स एंड जूनियर्स के स्टेनोग्राफर्स, तमाम एचओटी डिपार्टमेंट्स में, ताकि जो प्रमोशन एवेन्यूज सेक्रेटरीट में उन लोगों को मिलते हैं वो प्रोपोर्शनली इन लोगों को मिल सकें। जैसा कि मैं आप